हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है टीचर्स डे हैं तो आज मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं टॉपिक है क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम आपको पता होगा लास्ट पिछले एट टू नाइन मंथ्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो अगर आप जो आगे एग्जाम देने वाले हैं वहाँ पर मैं जनवरी 2023 से लेके अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी जो अभी कंप्लीट हुआ है यहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम क्या रही है वो मैं आपको सिंगल लेक्चर बता दूंगा इस लेक्चर को आप देख के चले जाना एग्जाम से पहले तो आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद करने हैं क्योंकि मैं यहां पर आपको हर चीजें बता दूंगा ओके तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ भी आपको इस एग्जाम से पूछा जा सकता है कोई भी डे या उसकी थीम्स पूछी जा सकती हैं ओके सो स्टार्ट विद द टूडेज लेक्चर ओके तो सबसे पहला देखिए मैं स्टार्ट करता हूं अभी ऑगस्ट मंथ कंप्लीट हुआ तो ऑगस्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे ट्वेंटी जो अभी नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया कब सेलिब्रेट किया जाता है सेवेंथ ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है थीम आपको याद रखनी है दैट इज हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन तो सस्टेनेबल वर्ड एक्चुअली आप देखते हैं बहुत सारी थीम्स में लगा होता है तो याद कहेंगे ट्रिक बना सकते हैं सस्टेनेबल फैशन करके वर्ड आएगा यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर की ये थीम है और हम क्यों सेवेंथ ऑगस्ट को सेलिब्रेट करते हैं याद रखिएगा इट कमोमरेट्स द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सेवेंथ ऑगस्ट नाइनटीन में जिसकी वजह से याद रखिएगा सेवेंथ अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं ओके तो ये आपको याद रखा है ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों सेवेंथ ऑगस्ट को सेलिब्रेट करते हैं तो आपको स्वदेशी मूवमेंट जरूर याद रखना अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप रिलेट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है नेशनल जावलिन थ्रो 2023 अभी आपको पता होगा बहुत न्यूज में है नीरज चोपड़ा ऑलरेडी और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं सेलिब्रेट करते हैं ये भी हम सेवंथ अगस्त को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं तो so, आप देखिए हैंडलूम डे दे भी और दैट इज जैवलिन थ्रो दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इसलिए सेलिब्रेट करें क्योंकि नीरज चोपड़ा को आपने सुना होगा उन्होंने गोल्ड मेडल हमको दिलवाया था uh, कब मेंस जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया uh, जिसकी वजह से हम जैवलिन नेशनल जैवलिन याद रखिए नेशनल जैवलिन डे जो है वो आपको याद रखें कब सेलिब्रेट करते हैं सेम हैंडलूम डे और दोनों डे सेम है ओके नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे ट्वेंटी जिसको हम नाइन्थ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इसी का दूसरा नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कुछ भी पूछ सकते हैं आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं थीम याद रखिएगा दैट इज क्या है इंडिजीनियस यूथ ज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन तो यूथ से रिलेटेड थीम है वर्ल्ड ट्राइबल डे की आप रिलेट कर सकते हो ओके और याद रखिये थीम कुछ लोग पूछते हो क्या सर पूरी याद करनी होगी मेरा मानना है ऑप्शन जब लिखा होगा अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आप मार्क कर सकते हो करेक्ट आंसर क्या है तो देखिए इंडिजीनियस यूथ ये वर्ड से आप याद कर सकते हो कि इस बार की थीम क्या है नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जिसकी थीम्स नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है जिनकी थीम्स इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपको याद रखना है 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं 2023 ऑफ कोर्स अभी टेंथ अगस्त को सेलिब्रेट किया गया अब मैं वर्ल्ड लाइन डे क्यों बता रहा हूँ 2023 ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी ट्वीट भी किया वर्ल्ड लाइन डे में तो मेरा मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर एक्टिविटी करते हैं क्योंकि देखो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो वर्ल्ड लाइन डे आप कर ये भी ट्वेंथ अगस्त ट्वेंटी को सेलिब्रेट किया जाता है ओके तो, तो वर्ल्ड लाइन डे ये भी आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे एक होता है नेशनल यूथ डे एक है इंटरनेशनल यूथ डे अभी अगस्त में इंटरनेशनल यूथ डे था जो कि ट्वेल्थ अगस्त को सेलिब्रेट किया था है. थीम थी दैट इज द ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ याद रखिएगा सिर्फ इतना ही लिख के आएगा आगे की लाइन लिख के नहीं आएगी चांसेस थोड़े कम रहते हैं दैट इज टू तो वर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड आपको सिर्फ लिख के आएगा ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ ठीक है पहचानना रहेगा आपको कि कौन सी इस बार की इंटरनेशनल यूथ डे की थीम थी तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ओके नेक्स्ट मेरा फेवरेट एनिमल जिसको कहते हैं एलिफेंट ओके तो एलिफेंट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया ट्वेल्थ अगस्त को सेलिब्रेट किया था याद रखिएगा ट्वेल्थ अगस्त को थीम क्या है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड देखिए नाम भी कितना अच्छा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसको खत्म करना चाहिए ये इस बार की थीम थी सिर्फ गो थ्रू करो ना एक बार मेरा लेक्चर भी देखोगे ना तो वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे ओके नेक्स्ट है अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे था उसमें इस बार की थीम याद रखना आपको ये एग्जाम में आएगा देखना आपके कमिंग एग्जाम्स में यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन दैट इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट और ये इजी क्वेश्चन भी होगा क्योंकि मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ तो आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं ओके नेक्स्ट आई थिंक फोटोग्राफी इज़ इंपॉर्टेंट बहुत लोग फोटोग्राफर भी होंगे बनना भी चाहते होंगे तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आपको याद होना चाहिए इस बार सेलिब्रेट किया था नाइनटीन अगस्त को और थीम क्या थी दैट इज़ लैंडस्केप तो ये चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि देखिए छोटी सी थीम है लैंडस्केप्स तो मेरा मानना है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो इसको जरूर स्टार लगा रहे हैं लैंडस्केप इस बार की थीम थी ओके नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल स्पेस डे 2023 फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया नेशनल स्पेस डे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट भी किया है दैट इज ट्वेंटी थर्ड अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे बनाएंगे आई होप सबको पता होगा क्यों क्योंकि जो चंद्रयान है उसका जो लैंडर है याद रखिएगा वो लैंड किया था तो so इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विक्रम लैंडर जो है उसने लैंड किया और उससे रोवर निकला दैट इज प्रज्ञान तो जिस दिन लैंड किया वो ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट था इसलिए नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया और जिस पॉइंट पे लैंड किया उसे पॉइंट को रखा गया है चंद्रयान थ्री का दैट इज शिव शक्ति पॉइंट और जहाँ चंद्रयान टू लैंड तो नहीं कर पाया था फेल लैंडिंग हुई थी बट उस पॉइंट को रखा गया तिरंगा ओके okay? और चंद्रयान वन का आप सबको पता होगा दर एज जवाहर पॉइंट तो ये आपको याद होना चाहिए कि नेशनल स्पेस डे ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है ओके नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स डे की मैं बात करता हूँ ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है थीम थी स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी चांसेस बहुत ज्यादा है किसकी थीम आपसे पूछे इवन आपके देखिए आपको आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेन्स में पूछ सकते हैं इंटरव्यू में पूछ सकते हैं प्रॉब्लम्स में तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं तो क्वेश्चन आपको याद रखना है ठीक है और क्यों सेलिब्रेट किया था सबको पता है बर्थ एनिवर्सरी है किसकी बहुत फेमस इंडियन हॉकी विजार्ट की इसका नाम है क्या मेजर ध्यानचंद इनका बर्थडे आता है अगस्त 1905 1905 में में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी लिंक कर सकते हो आप इनका बर्थडे आता है और याद रखिए रखिये अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट भी करते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेज में आते हैं दैट इज जुलाई मंथ की ओर जाते हैं और डॉक्टर्स की बात करते हैं बहुत सारे है। डॉक्टर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नेशनल डॉक्टर्स आपको पता होना चाहिए दैट इज फर्स्ट जुलाई को सेलिब्रेट करते थीम थी दैट इज सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स बड़ी अच्छी सी थीम है हीलिंग हैंड्स इस नाम से आप याद कर सकते हो अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो कहेंगे सर हमारा डे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो भी फर्स्ट जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है तो इसलिए वो भी याद रखना है डॉक्टर्स और चार्टर्ड दोनों दोस्त हैं ऐसे याद कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही फ्रेंड्स हैं तो इंपॉर्टेंट डे एक साथ ही हैं ओके okay? अब पॉपुलेशन की बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ट्वेंटी आपको बताओ अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अब इंडिया की हो गई है इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को तो याद है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन हम सेलिब्रेट करते हैं इलेवंथ जुलाई को थीम थी अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी याद रखिए जेंडर इक्वालिटी वर्ड से आप याद कर सकते हो कि इस बार की थीम क्या थी एक की वर्ड बना लेना चाहिए मेरा मानना है जिससे आप थीम्स को याद कर सको ओके क्योंकि इतनी सारी थीम्स याद करना डिफिकल्ट है तो इसलिए आप की वर्ड्स में जाओ तो याद हो जाएगा ओके नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लायन डे देखा अभी हमने अगस्त में था तो जुलाई में टाइगर डे आ जाता है और टाइगर डे होता है ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को ओके तो टाइगर डे भी आपको पता होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे तीन टाइगर रिजर्व ओके कोई भी जो आपके फेमस टाइगर रिजर्व हो जिनका नाम आपने सुना होगा उनके नाम और उनका स्टेट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो देखते कौन कौन लोग अपने तीन टाइगर रिजर्व फेवरेट टाइगर रिजर्व के नाम मेंशन करते हैं ओके नेक्स्ट uh, आता है दिस इज इंपॉर्टेंट अगर हम टाइगर की बात करें तो रेंजर रेंजर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड रेंजर डे ट्वेंटी ये सेलिब्रेट किया है लास्ट डे ऑफ जुलाई दैट इज थर्टी जुलाई को सेलिब्रेट कियाता है थीम क्या थी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए मेरा मानना है थोड़ा चांसेस इसके ज्यादा हो जाते हैं थीम है थर्टी बाय थर्टी तो थर्टी बाय थर्टी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कंजर्व एंड मैनेज ऑफ द प्लान बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है ये थीम थी टारगेट था ठीक है उसी को देखते हुए वर्ल्ड रेंजर डे की थीम भी बाय रखी है बड़ी इंटरेस्टिंग थी थीम इसलिए मेरा मानना है चांसेस थोड़े ज्यादा है कि आपसे इसकी थीम पूछ ली जाए ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मंथ में आते हैं दैट इज जून और जून में आते हैं सबसे पहले अब थक गया हो गया बहुत देर से एनर्जी की जरूरत होगी तो मिल्क पी लेते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे 2023 सेलिब्रेट कियाता है फर्स्ट जून को जून के फर्स्ट को सेकेंड जून को मेरा बर्थडे आता है तो याद रखना क्लास से पहले मिल्क पी क्या आना है फर्स्ट जून 2023 ट्वेंटी थ्री इज द डे ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे और थीम है द पोटेंशी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क इंडस्ट्री तो याद रखिएगा थीम भी आपको जस्ट गो थ्रू करना है ओके okay? और जून मैंने आपको बता दिया, सेकेंड जून मेरा बर्थडे तो फर्स्ट जून से मिलके आद रख लेना ओके चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिस इज वेरी फेमस और ये तो हर एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि फिफ्थ जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ओके okay? तो थीम इसकी तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए दैट इज पोल्यूशन टू प्लास्टिक सॉरी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन ओके इसकी थीम जो है ना बिल्कुल याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है क्वेश्चन बहुत इजी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं ओके नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ट्वेंटी फूड को सेफ करने की बात कर रहा हूं मैं सेवेंथ जून को फूड को सेफ करेंगे मैं एनवायरमेंट के बाद फूड को सेफ करने की बात कर रहे हैं थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स तो सिंपल सी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ ओके okay, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट ओके 2023 ट्वेंटी और ड्रॉट को कॉम्बैट करने की बात कर रहे हैं और डे है सेवनटीन जून को सेलिब्रेट किया जाता है थीम याद रखना हर लैंड हर राइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी है वोमेंस की बात कर रहे हैं हर डे सॉरी हर लैंड हर राइट तो हर ये बड़ा इंटरेस्टिंग से ऑप्शन दिखेगा ना तो शायद आप पहचान जाओगे ऐसी थीम जरूर पहचान दी जाती है ओके नेक्स्ट so, है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एथ जून को सेलिब्रेट किया जाता है रिफ्यूजी डे थीम थी होप अवे फ्रॉम होम याद रखिए होप अवे फ्रॉम होम रिफ्यूजीज का तो आपको पता ही होगा होप अवे फ्रॉम होम बड़ी इंटरेस्टिंग से थीम आई थिंक ऑप्शन देख के ये ये भी पहचान ली जाएगी ओके नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा डे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आपको योगा डे से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हो सकता है आपको वो योगा डे की पुरानी थीम्स दे दे और मैच द तो फॉरिंग पूछ ले या वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस बार का योगा डे कौन सा एडिशन था नाइन्थ एडिशन था मैं बता दूँ इस बार का योगा डे क्यों इंपॉर्टेंट था यह भी बताऊंगा मैं आपको ट्वेंटी फर्स्ट जून को सेलिब्रेट करते हैं थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार पहली बार जो योगा का एडिशन था नाइन्थ एडिशन था योगा का ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने याद रखिएगा कहां पर सेलिब्रेट किया ये सेलिब्रेट किया गया है नॉर्थ लॉन ऑफ द यूएन हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी तो न्यूयॉर्क सिटी में इसको सेलिब्रेट किया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और वहीं पर उन्होंने योगा डे को सेलिब्रेट भी किया और ये नाइन्थ एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर याद रखना है ओके नेक्स्ट आता है ओलंपिक डे अब ओलंपिक की बात हो रही है अब ट्वेंटी का ओलंपिक कहाँ होने वाला है चलो बताओ समर ओलंपिक्स ट्वेंटी का कहाँ होने वाला है क्योंकि अब उस

और ये इसलिए सेलिब्रेट किया था वो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा क्योंकि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स उनकी इमेज यहां बनी हुई है और कमेंट बॉक्स में इनका नाम चाहिए मुझे क्योंकि इन्हीं के बर्थडे के दिन हम सेलिब्रेट करें नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ही इज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कमेंट बॉक्स में उनका नाम मैंशन करिए थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस डी जी याद रखिएगा एस डी जी गोल्स सेवनटीन गोल्स मैं बता दूं कोई भी एग्जाम में जाओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्वेश्चन डन है जो आएगा फिर मत बोलना छूट गया आपका चाहे आप सी डी एस दो एनडीए दो यूपीएससी दो स्टेट सर्विस दो एस एस सी दो बैंकिंग दो कोई भी एग्जाम दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कहोगे सर ये क्या है टोटल सत्रह गोल है इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं प्लीज जाकर यूट्यूब पे टाइप कर दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय देवशी सर आ जाएगी मेरे सत्रह गोल्स की ट्रिक और याद करके चले जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ दिया दो नंबर गए सीधी सी बात है तो याद रखना ठीक है और थीम में भी देखिए एसडीजी है ठीक है तो एस के गोल ट्वेंटी थर्टी तक अगर दो हजार तीस तक अगर आप पेपर देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आता रहेगा तो अभी तो बहुत साल है ना यार सात साल तक पेपर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने को, इस तो जून मंथ के बाद मे मंथ में आते हैं जिस तरह जून में मैंने बताया था मिल्क डे से स्टार्ट किया था यहां पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है ओके तो यहां पर होगा इंटरनेशनल लेबर डे ट्वेंटी तो देखिए इंटरनेशनल लेबर डे स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट मे को हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज इंटरनेशनल

थीम देखिए शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स तो बड़ी सिंपल सी थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स और वो आप याद भी कर सकते हो ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको याद करना ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस है रेड क्या होता है अब यहां पर याद करना पड़ेगा रेड कैसे याद कर सकते हैं हार्ट जो है वो रेड है ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि थीम जो है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट तो ये थीम ये लिंक बना सकते हो आप और डे कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं एट मे को सेलिब्रेट किया जाता है ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे ट्वेंटी ये सेलिब्रेट किया था इलेवेंथ मे 2023 को कब सेलिब्रेट किया था इलेवंथ मे को थीम देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर सो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल फ्यूचर ये तो आई थिंक ऑप्शन देख के आपको पहचान जाना चाहिए ओके okay? नेक्स्ट बात करता हूं मैं अब डॉक्टर डे की बात की थी मैंने अभी पिछले प्रीवियस मंथ में अब नर्स डे की बात कर दो तो इंटरनेशनल नर्स डे 2023 कब सेलिब्रेट किया था ट्वेल्थ मे को सेलिब्रेट किया था थीम देखिए आर नर्सेज आर फ्यूचर बड़ा सिंपल सी थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर जो है इस बार की थीम है ओके नेक्स्ट आता है हम डेंगू डे दे की बात करते हैं नेशनल डेंगू ठीक है डेंगू भी एक बड़ी बीमारी है नेशनल डेंगू डे दे की बात करें तो सिक्सटीन मे को सेलिब्रेट किया जाता है डेंगू डे दे, और थीम है फाइट डेंगू सेव लाइफ तो याद रखिए फाइट डेंगू सेव लाइफ जो है सिंपल सी थीम है इसको आप याद कर सकते हो ओके अब डेंगू आ गया है डेंगू के साथ एक और बड़ा मुझे डर लगता है उससे हनी बी से तो जो है अगला वर्ल्ड बी डे ट्वेंटी ओके थ्री ट्वेंटी एथ मे को सेलिब्रेट किया था बीस मे को सेलिब्रेट किया थीम है बी इंगेज इन पॉलीनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़ी अच्छी सी थीम है पॉलीटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इसको आप लिंक कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं ओके चले नेक्स्ट आते हैं दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ओके डे है ट्वेंटी सेकेंड मे याद रखिएगा थीम जो है दैट इज फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बहुत अच्छी बात है एग्रीमेंट से हमें एक्शन की ओर मूव करना चाहिए और वही इस बार की थीम भी है तो इसको भी आप इजिली याद कर सकते हो ओके आई थिंक किसी को टोबैको नहीं लेना चाहिए इसलिए वर्ल्ड नो टोबैको डे इस मई मंथ को कंप्लीट करने पर वर्ल्ड नो टोबैको डे जरूर याद होना चाहिए थर्टी फर्स्ट मे को सेलिब्रेट करते हैं और वी नीड फूड नॉट टोबैको याद है कि हमें खाने की जरूरत है टोबैको की नहीं ऐसे भी आप याद कर सकते हो ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले मंथ में आते हैं अगले मंथ उड़ीसा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए मैं जय जगन्नाथ जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप रिलीजियस हैं तो होना भी चाहिए ओके okay? तो उड़ीसा डे की अगर हम बात करें जिसको हम याद रखिएगा उत्कल डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं तो फर्स्ट अप्रैल अप्रैल का मंथ स्टार्ट होते ही फर्स्ट अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा डे और क्यों सेलिब्रेट करते हैं द डे इज सिग्निफिकेंट फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा एज इट मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट स्टेट फॉर्म हुआ था फर्स्ट अप्रैल में इसीलिए हम उड़ीसा डे हम फर्स्ट अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डे ये डेट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेट किया जाता तो है तो सेवेंथ अप्रैल को थीम हैल बिल्कुल थीम ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 डे है एटीन अप्रैल थीम है हेरिटेज हेरिटेज चेंजेस चेंजेस सिंपल सी थीम ओके नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है सबको पता होना चाहिए और थीम है विकसित भारत तो आई होप आपको ये जो थीम और डे जो है ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल सबको याद होना चाहिए ओके okay. नेक्स्ट है अर्थ डे ट्वेंटी डे सेलिब्रेट किया था ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को थीम अगेन अ वेरी सिंपल थीम इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट हमारे प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए ओके नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डे है ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल और थीम है सस्टेनेबल पंचायत वर्ड भी कितना सिंपल है सस्टेनेबल पंचायत जिसको आप एक बार में याद कर सकते हो ठीक है मलेरिया की बात करते हैं अभी डेंगू की बात की थी अब वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करता हूँ सेलिब्रेट किया था ट्वेंटी अप्रैल को थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया बिल्कुल अब हमें जीरो मलेरिया की ओर मूव करना चाहिए वही इस बार की थीम भी है ओके नेक्स्ट मंथ में आते हैं अब अप्रैल मंथ हो गया अब हम आते हैं मार्च मंथ में मार्च में आते हैं पहले वाइल्ड लाइफ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 डे है थर्ड मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ वर्ड तो होगा ही ऐसे याद कर सकते हो ओके वुमेन्स वुमेन्स डे डे की बात करो इंटरनेशनल थीम थीम है digit all. क्या theme है डिजिट डिजिट ऑल ऑल क्या और सेलिब्रेट किया था मार्च को ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा इजिएस्ट क्वेश्चन है एथ मार्च ओके चलिए आप मुझे वर्ल्ड मेंस डे बताइए कब सेलिब्रेट करते हैं वुमेंस डे मैंने बताया मेंस डे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 ट्वेंटी सेलिब्रेट किया था 15 मार्च को थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस बिल्कुल अच्छी थीम भी है कंज्यूमर राइट की अगर बात करें तो कंज्यूमर वर्ड तो यूज होगा ही ओके okay? नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड स्पैरो स्पैरो डे आई स्पैरोप सबको अच्छी लगती होगी ट्वेंटी मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और आई लव स्पैरो स्पैरो क्योंकि मुझे sparrow अच्छी लगती इसलिए आई सेड आई लव स्पैरो इस बार की थीम थी ओके इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डन मानो क्वेश्चन आएगा ट्वेंटी मार्च को सेलिब्रेट करते हैं थीम है बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड तो जस्ट रिमेंबर द थीम ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जंगल की बात कर रहा हूं मैं याद रखिए डे है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ फॉरेस्ट बहुत पसंद है फॉरेस्ट जाओगे आपकी हेल्थ जो है ना बड़ी अच्छी हो जाएगी ऐसे आप याद कर सकते हो ट्वेंटी सेकेंड याद ट्वेंटी सेकंड मार्च वर्ल्ड वाटर डे फॉरेस्ट में जाओगे तो वाटर तो मिलेगा ही तो वर्ल्ड वाटर डे ट्वेंटी सेकेंड मार्च को है, उसी मंथ में देखिए थीम है एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस सिंपल सी थीम है जिसको आप याद कर सकते हो ओके okay? नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेट्रोलॉजिकल डे की बात कर रहा हूँ ट्वेंटी थर्ड मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है थीम है फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन बहुत सिंपल सी थीम है वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशन ओके नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर्थ मार्च दैट इज वर्ल्ड टीबी डे है ना टीबी की बात कर रहा हूं ठीक है और थीम है ये वी कैन एंड टी बी और हमने टीबी को खत्म करने का टारगेट भी बना रखा है कब तक 2025 तक इंडिया ने एम बना रखा है वो टीबी को खत्म कर देगी ओके तो ये वर्ल्ड टीबी डे भी आपको याद रखना है ओके ओके चलिए अब नेक्स्ट मंथ में में आते हैं में। तो फेब में बात करें तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वेटलैंड डे पता होना चाहिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड फेब को सेलिब्रेट किया जाता है रामसर साइट्स आपने पढ़ी होंगी टोटल एट प्रेजेंट इंडिया में सेवेंटी फाइव रामसर साइट्स है थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन ओके टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन अब आप ये वीडियो

Uh, यहाँ पर ऑप्शन दूंगा मैं आपको दैट इज फोर्थ फेब ओके फिफ्थ फेब सिक्सथ सेवंथ फेब ओके कमेंट बॉक्स का मुझे बताइए वर्ल्ड कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ओके okay. थीम uh, है क्लोज द केयर गैप क्या देखिए क्लोज द केयर गैप जो है वो इस बार की थीम है ओके आई होप यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर डे लिखा हुआ है फोर्थ फेब आई थिंक जिसने यहाँ से देख लिया होगा और फोर्थ फेब आंसर भी लिख देगा जिसने नहीं देखा हो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कहोगे सर ये कहोग ने तो आंसर बता दिया चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे 2023 ओके okay. फेब को सेलिब्रेट किया था थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर अगेन सस्टेनेबल वर्ल्ड मैंने कहा ना बार बार यूज होगा नेक्स्ट है नेशनल वुमेंस डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेट किया था 13th को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है सरोजी नायडू को जिनको आप नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं तो इसलिए हम थर्टीन फेब को याद रखिएगा नेशनल क्या सेलिब्रेट करते हैं दैट इज वुमेंस डे नेशनल वुमेंस डे नॉट इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो एट मार्च को था नेक्स्ट है वो वर्ल्ड रेडियो डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेट करते थर्टीन फेब को थीम है रेडियो एंड पीस क्योंकि रेडियो सुनने से आपको पीस मिलती है ओके वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डे है ट्वेंटी एट फेब थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते इस बार की थीम थी ओके okay? नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 सेलिब्रेट करते हैं 21 फर्स्ट फेब को और थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन तो नाम से आप याद कर सकते हो ओके नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे 2023 ये सेलिब्रेट किया ट्वेंटी को याद रखिए नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता ट्वेंटी एथ

2023 सेलिब्रेट किया था टेंथ जैन को इंपॉर्टेंट है कमेंट बॉक्स में मुझे नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया था या मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करिए ओके आ, ये याद है कि टेंथ जैन को सेलिब्रेट किया था रीजन बता देता हूं मैं आपको क्योंकि एनिवर्सरी है फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो नागपुर में होती है टेंथ जैन नाइनटीन में इसीलिए हम टेंथ जैन को वर्ल्ड हिंदी डे भी सेलिब्रेट करते हैं ओके नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे अभी मैंने आपको इंटरनेशनल बताया था अगस्त मंथ में नेशनल यूथ डे है ट्वेल्थ जैन को थीम थी विकसित युवा विकसित भारत तो याद रखिए डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया ओके नेक्स्ट है दैट इज इंडियन आर्मी डे फिफ्टींथ जैन को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे एथ अक्टूबर को इंडियन नेवी डे फोर्थ दिसंबर को ये तीनों आपको याद होना चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे तीनों के चीफ एयरफोर्स नेवी और आर्मी के चीफ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मैंशन करिए है। देखते हैं किस किस को याद है ओके नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन जैन को सेलिब्रेट करते हैं और सिक्सटीन जैन को क्यों करते हैं क्योंकि सिक्सटीन जैन टू थाउजेंड सिक्सटी में स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च्ड और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अनाउंस किया था कि हम सिक्सटीन जैन को क्या सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे ओके नेक्स्ट है, से, से, okay. है पराक्रम दिवस जिसको आप करेज डे भी कहते हो यानी कि इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी जन जैन और अभी रिसेंटली वन बर्थ एनिवर्सरी हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेलिब्रेट भी की थी ओके okay. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे गर्ल चाइल्ड डे ट्वेंटी फोर्थ जैन को सेलिब्रेट करते हैं इस बार कोई भी ऑफिशियल थीम नहीं थी ओके okay? नेक्स्ट है फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है यूपी के बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ट्वेंटी फोर्थ जैन को सेलिब्रेट करते हैं थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये यूपी के एग्जाम में आ सकता है नेशनल एग्जाम में ये वाला टॉपिक मतलब यू यूपी डे नहीं पूछेंगे ओके नेशनल वोटर्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी फिफ्थ जैन को थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर जस्ट रिमेंबर नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर और लास्ट डे दैट इज ट्वेंटी फोर फिफ्थ जैन को आ नेशनल टूरिज्म डे थीम है रूलर एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म ओके तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट थीम्स और इम्पॉर्टेंट डेज जो मैंने आपको बता दिए हैं आई होप आपने लेक्चर एंड तक जरूर देखा ओके आपने इस लेक्चर को देखा आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जो कि एक वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिस स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रीब्यूट करना है ये हमारा क्यू कोड है पेटीएम फोन पे गूगल पे नंबर भी मैंशन है इट्स नॉट कम्पलसरी आप हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि हम आपको पता होगा फ्री ऑफ सर्विसेज आपको चैनल्स में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तो आप कर सकते हैं ओके okay? नहीं भी करोगे वीडियो को लाइक भी करोगे वो भी सफिशियंट है ओके okay? अब मैं अपने हैंड रिइट नोट्स की बात करूँ देखिए नए हैंड रिइेड नोट्स आ गए हैं नए आप कहेंगे सर कौन से नए आ गए तो इसीलिए मैं आपको आज आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से अब हमने साइंस के लिए बहुत डिमांड थी तो हमने देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले थे हमने बायो की अलग ठीक है फिजिक्स की अलग केमिस्ट्री के अलग तीनों की अलग अलग बुकलेट सब लॉन्च कर दी हमने ओके आप देख सकते हैं मैं सैंपल भी दिखा देता हूं आपको ठीक है बायो के देख सकते हैं ठीक है प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स हमने बायो के फिजिक्स के केमिस्ट्री के तीनों के लॉन्च कर दिए हैं तो साइंस वालों के लिए याद रखिए जिनको साइंस की बुकलेट चाहिए तो तीन सेपरेट बुकलेट आ गई हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी तो ये नई बुकलेट ऐड हुई हैं याद रखिएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी ओके प्लस आर्ट एंड कल्चर जो पुरानी बुकलेट्स की करंट अफेयर्स अपडेटेड हो गई है इंडियन जोग्रफी है ओके okay, मैं जल्दी जल्दी सारी बुकलेट्स आपको बताता हूँ एंशियन हिस्ट्री है फिजिकल वर्ल्ड जोग्राफ़ी है एनवायरमेंट है सैम्पल देखना है मुझे व्हाट्सएप करो नीचे नंबर मैंशन है ओके okay, कंप्यूटर की भी बुकलेट है मिडाइवल हिस्ट्री है इंडियन पॉलिटी है तो अगर आपको इन बुकलेट्स को चाहिए हो याद रखिए तो आप नीचे मेरे नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ है एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है वहाँ से भी जाकर आप बाय कर सकते हो तो स्टैटिक जीके है इकोनॉमिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री है ऑल दीज बुकलेट्स सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं और एग्ज़ाम अगर आपने लेक्चर्स देख लिए हैं और अगर ये बुकलेट्स आपको मिल जाती हैं तो एग्ज़ाम नहीं रुक रहा है ठीक है एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप एप्लीकेशन से बाय करते हो तो याद देखिए अभी ऑफर चल रहा है टीचर्स डे का ऑफर है तो एक बार एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करो डाउनलोड करो या देखिए एप्लीकेशन देवशीष क्लासेस और वहाँ आपको हमारे कोर्सेज में ऑफ़र जो चल रहा है टीचर्स डे का ट्वेंटी तो आप वो लगा सकते हो अगर आप नोट्स एप्लीकेशन से बाय करते हो तो आपको क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लाइफ टाइम के लिए तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करो ओके और याद रखिएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो फिर से हम बोला देवशीष क्लासेस वहां पर आपको प्री मेन्स इंटरव्यू अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो ना उसके लिए भी आपको क्लासेस मिलेंगी जनरल स्टडीज़ की ओके और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल करंट अफेयर्स की सब कुछ आपको डिटेल में हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा अभी वहां पर ऑफर चल रहा है तो तुरंत जाकर ऑफर का यूज़ करो कोई डाउट क्वेरी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट होता है सो थैंक यू एवरी जिन्होंने टीचर्स डे पर मुझे बहुत सारे विशेष भेजे मैं इतने रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ बट स्टिल आई गेट द टाइम आई एल रिप्लाई एवरी वन मैं सबके मैसेज को रिप्लाई करूँगा बट डू uh, कमेंट हम पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू रखें ओके okay, और टीचर्स डे मैं प्रॉमिस करिए आपकी, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे सीरियस रहेंगे और एग्जाम को जल्दी से क्रैक करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मुझसे ज़रूर मिलेंगे क्योंकि अब एग्जाम क्रैक करेंगे तो मैं आपसे मिलना ज़रूर चाहूँगा तो जल्दी से क्रैक करो है ना नहीं भी क्रैक कर पा रहे हो दूसरा एग्जाम क्रैक करो देआर लॉट्स ऑफ एग्जाम्स ओके डोंट लूज होप और प्रिपरेशन करते रहो कोई डाउट करी वो भी आप मुझे बताओ इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी सो थैंक यू एवरीवन जय हिंद जय भारत